जॉब में ही बहुत ही सबका दिमाग अलग अलग रहता हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैं अभी निकाली हूँ कच्चा केला फ्रिज से और इसकी मैं सब्जी बनाऊंगी। थोड़ा सा लेट हो गया था एक्चुअली, मैं वीडियो शूट कर रही थी, मेरे फेस से ही थोड़ा सा लग रहा होगा हेयर स्टाइल वगैरह से, तो मैं वीडियो शूट कर रही थी, इसकी वजह से आज मुझे बनाने में लेट हो गया। तो कच्चा केले की सब्जी ड्राई वाली बनाऊंगी, भुजिया सब्जी जिसको हम लोग बोलते हैं। कढ़ाई में मुझे ऐसा लगा कि कुछ लगा हुआ है, सो मैंने उसको फिर से वॉश कर दिया और रखी हूँ। इतने देर में ना मैं ये केला फटाफट से कट कर लूँगी, इतना केला था इसमें से एक केला ना ख़राब भी निकल गया। मैं उसको लेके जा रही हूँ, फट से कट करके लेके आ रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने कढ़ाई भी अभी रख दी है गर्म होने के लिए, केला भी मैंने कट कर दिया है, पानी में डाल दी हूँ और यहाँ पे लहसुन को थोड़ा सा कूट रही हूँ। ऐसे लहसुन डालने से ना केले की सब्जी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। देन मस्टर्ड ऑयल मैं डाली, जीरा डाली, मेथी खत्म हो गया था, हरी मिर्च डाली, फिर जो लहसुन था उसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और इसको ज़्यादा नहीं भूनना होता है, मतलब बस कुछ सेकंड ही, 5 से 10 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं, तो फिर इसका जो टेस्ट होता है ना वो चला जाता है। एंड उसके बाद में ये जो कच्चा केला है इसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ, इसको अच्छी तरीके से छील के कट करके वॉश करके फिर मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है, अगर जल्दी बनानी है ये सब्जी ना 10 से 15 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ दूसरी साइड में मिल्क गर्म होने के लिए और केले को बीच बीच में चलाती रहूँगी। इसमें ज़्यादा मसाला भी नहीं जाता है, बस हल्दी और नमक, आप चाहो तो सब्जी मसाला थोड़ा सा डाल सकते हो और कोई मसाला नहीं जाता है, बहुत हेल्दी भी होता है। एंड उसके बाद मैं अभी यहाँ पे गई कबर्ड में से कुछ सामान निकाल के लेके आने, मुझे इतनी तेज़ भूख लगी थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर मैं ये बिस्किट निकाल के लेके आई, ये न्यू बिस्किट है, कुछ तो ये बिस्किट ना थोड़ा सा डिफरेंट था, एकदम पतला पतला लगी नहीं रहता कि ये बिस्किट है। ये एक बार और मैं खाई थी, लेकिन यही लेके आए थे, बट इनको याद नहीं था कि मैं कभी लेके भी आया हूँ, बट मुझे याद था कि मैंने खाया है, बहुत टेस्टी लग रही थी। आधा हम लोग इसमें से खाया, मुझे तो इतनी तेज़ भूख लगी थी, वीडियो शूट करने के टाइम से मुझे भूख लगी हुई थी। लेकिन अब मैं सोची ना कि सब्जी तो बनी रहा, मैं फटाफट से ये भी खा लेती हूँ थोड़ा सा। तो एक साइड का, इसमें दो जगह था, दोनों में से एक साइड का मैंने ख़त्म कर दिया, देख सकते कितना पतला है ये बिस्किट। उसके बाद किचन में आ चुकी हूँ और किचन में आने के बाद ये पतीले में मिल्क था जो खोल रहा था, इसका मैं बनाऊंगी पनीर। और यहाँ पे देखिए मैं पनीर कैसे बनाती हूँ, ये है साइट्रिक एसिड, जो इसका ना वो पाउडर भी मिलता है, ऐसे ही मिलता है, तो मेरे पास यही है, तो इतना सा डालूंगी, अगर इतना सा नहीं फटेगा तो थोड़ा सा और मैं डालूंगी। इतनी ईजिली पनीर बन जाता है ना इससे, तो मैं जब मिल्क खोलने लगता है तभी इसको डालना होता है। तो अब अभी आप देखिएगा थोड़ी देर में बहुत अच्छे से फट जाएगा और मैं होममेड पनीर इसी तरीके से बनाती हूँ। अगर खुद से दूध फट जाता है ना तो वो फिर ठीक है, अगर नहीं फटता और मेरे पास दूध ज़्यादा होता है तो मैं इस तरीके से, देखिए धीरे धीरे ये फटने लगा ना, थोड़ा सा क्वांटिटी में और मैंने डाला था, उससे ज़्यादा नहीं डालना होता है। देखिए फट गया, अब मैं इसको कपड़े गीले कपड़ा गीला करके उसमें फिर बांधूंगी और छोड़ दूंगी, वो बन जाएगा। उसके बाद इधर मैं आई तो देखिए स्पर्श अब भी कर रहा है ड्रॉइंग, इन्होंने बनाना पता नहीं क्या क्या दिए थे बनाने के लिए, और अपना कुछ काम कर रहे थे मोबाइल में। वैसे भी ये मोबाइल तो उतना यूज़ करते नहीं, बहुत कम यूज़ करते हैं। एंड गाइज ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप, मतलब कल मॉर्निंग का क्लिप है ये, और मैं अभी अपना एक्सरसाइज वगैरह कर रही थी, ये वीडियो उन्होंने शूट किया है, मैं मुझे पता भी नहीं था, तो मैं कर रही थी, ये उठे हुए थे पहले से, बट इन्होंने ये थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया, जब जब मेरी आंखें बंद हो रही थी तब तब इन्होंने मेरा शूट किया है। एंड लास्ट में मैं जग मतलब आंखें जब मेरी खुली ना तो बोलते कि थोड़ा सा तेरा क्लिप बना रहा था, बनाती तो है नहीं तो मैं बना दे रहा हूँ। सच में मैं बताऊँ आजकल मैं अपने ब्लॉग शूट नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों इच्छा ही नहीं होती है मुझे, अगर करती हूँ तो डाल देती हूँ। एंड गाइस इसके पहले का जो ब्लॉग है ना वो मैं आप लोगों को ना कल डालूंगी, कल शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे लगा ना कि 15 अगस्त का जो ब्लॉग है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो गाइस अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और निकल चुके हम लोग, इतनी सुबह हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अभी कल हमारा था ना मूवी देखना है तो नहीं देख पाए थे, तो आज हम लोग जा रहे हैं। एक मिनट, तो आज हम लोग जा रहे हैं 10:30 से हमारा है, बट हमें तो 10:45 यहीं पे हो गया है, पहुँच जाएंगे, देखते हैं पहुँचते हैं कि नहीं। और यहाँ से हम लोग के लिए जा रहे हैं आगे, छोटू निकू भाभी भैया सब लोग साथ में जाएंगे, वो लोग भी। और आज छुट्टी थी, आज तो वैसे सबकी छुट्टी रहती है, स्पर्श की भी छुट्टी है, कल स्पर्श का स्कूल था बट नहीं गया था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। और अभी भाभी भी यहाँ बैठी है, नीकू बैठे, सब लोग यहाँ पे मिल गए, अब हम लोग इकट्ठे जा रहे हैं और मज़ा भी आने वाला है। स्पर्श बीच में बैठा हुआ था, स्पर्श एक्चुअली स्टार्टिंग में थोड़ा शांत था,
लेकिन उसके मन में कुछ ना चल रहा था, पता नहीं क्या चल रहा था, क्यों परेशान लग रहा था। शांत है लेकिन परेशान था वो अंदर से। तो थोड़े दिन तो शांत था, उसके बाद फिर उसकी जो हरकतें हैं ना वो शुरू हो गए बदमाशी वाली। एंड ये अभी हम लोग थोड़े देर में कहाँ जा रहे हो? इसमें देखो कहाँ जा रहे हो? मॉल जा रहे हो? कहाँ पे? क्या करोगे मॉल जाके? मूवी। अच्छा मूवी देखेगा शो आज? जहाँ जहाँ सॉन्ग बज रहा था वहाँ मैंने म्यूट कर दिया है, क्योंकि प्रॉब्लम तो हो ही जाती है कितना भी मतलब कोशिश करो ना कि नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन हो जाती है। उससे डालो ही नहीं कुछ भी सॉन्ग। एंड बस यहाँ पे थोड़ी देर में अभी हम लोग पहुँच जाएंगे। 15 अगस्त के दिन ना रोड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो नॉर्मल रोड रहता है ना वो बंद हो जाता है, इधर उधर से हो जाता है, तो फिर इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, पता नहीं चल रहा था। वैसे भी चंडीगढ़ में मैप ना लगाओ ना तो इधर उधर भूल ही जाओगे, ऐसा हो जाता है। तो हम लोग तो अक्सर मैप लगा के ही चलते हैं। तो गाइज अभी आ चुके हम लोग एलांटे और पार्क कर दिए हैं गाड़ी, सभी लोग आ चुके हैं और अभी हमारा मतलब टाइम है हमारे पास अभी। हाँ पैं पैं शुरू कर दिया था। इधर भाभी हैं, भाभी हेलो कर दीजिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं देख, और मूवी देखने के बाद बताएंगे कि कैसा कैसा लगा हम लोगों को मूवी। भाभी बताएंगे, मैं ही बताऊँगी, अभी देखे तो है नहीं, बस एक्साइटमेंट है देखने की। हाँ तो गाइज अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं यहाँ से। अभी मैं रील वील नहीं बना रही हूँ लेकिन बाद में बनाऊंगी। अभी एंटर और यहाँ से बस मैं एंटर कर रही थी, मैं इसलिए हंस रही थी ना क्योंकि ये मेरे ब्लॉग बना रहे थे, ये नहीं बनाते हैं जल्दी तो बना रहे थे इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। एंड बस यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से डेकोरेट हुआ है ना 15 अगस्त के दिन, बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी सुबह सुबह का टाइम था तो रश इतनी नहीं थी, कम से कम 1 घंटे बाद ना ऐसी रश होगी ना, यहाँ पे पैर रखने का जगह नहीं। और जो इधर के होंगे उनको एलांटे के बारे में पता ही होगा कितना अच्छा मॉल है, मतलब इतनी महंगी चीज़ें मिलती है कि शॉपिंग करना तो यहाँ पर मुश्किल ही रहता है। कभी कुछ खरीद लिया ऐसी वाली हालत है यहाँ पे एलांटे में आने के बाद। लेकिन हाँ चलो कुछ तो मतलब उतना मतलब जितने भी शॉप है ना सारे ब्रांडेड हैं और इतने महंगे रहते हैं कि खरीदने से पहले ना 10 बार सोचना पड़ता है ले कि नहीं ले, क्योंकि फिर फालतू में पैसे वेस्ट करने का क्या मतलब जब चीज़ें थोड़े से कम में मिल जाती है। तो यहाँ पे स्पर्श भाभी को, भाभी उसको ना लेके चल रही थी क्योंकि उसको थोड़ा सा ना रहता है कि देखना पड़ता है, मतलब उसको केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप लोगों को ही पता है मैंने आप लोगों से कभी कुछ छुपाया ही नहीं है स्पर्श के बारे में, तो सारे लोगों को पता भी है। एंड यहाँ पे बस मूवी हमारा पहले से टिकट, और गाइस पता है हमें ना टिकट नहीं मिला था, बस आगे आगे वाला ही मिला है। मतलब हम कल ना 3-4 जगह गए थे, कल मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगी वो, लेकिन कहीं भी हम मूवी नहीं देख पाए थे। और आज बस ये भी मिला तो फ्रंट वाला मिला, बोले चलो ठीक है जैसे भी है हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर इसके बाद छुट्टी नहीं रहती है ना, मतलब छुट्टी की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो 2 दिन की छुट्टी ऐसे निकल जाएगी फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो बस यहाँ पर अभी हम लोग एंटर करेंगे अंदर को, तो अभी हम लोग अभी अंदर एंटर कर रहे हैं और बस टाइम तो हो ही गया था, जैसे तैसे मतलब जल्दी जल्दी हम लोग भागे पहुंचे, कहीं भी हम लोग फोटोज वगैरह कुछ क्लिक नहीं करवाए स्टार्टिंग में। एंड बस यहाँ पे अभी हम लोग आ चुके हैं, सब मुझे तो पहले लगा था कि सबसे ऊपर वाला है, लेकिन जब इन्होंने बताया कि नहीं सबसे नीचे वाला है तो फिर हम वापस लौट के आए और नीचे बैठे। और अभी हमारा चल रहा है मूवी, मतलब स्टार्ट होने वाला है, और मूवी का मैंने रिकॉर्ड तो किया है बट मैं इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि पता है कई बार स्ट्राइक भी आ जाता है ऐसी चीज़ों पे, तो मैं नहीं डालूंगी उसको ना, मैं लगाई हूँ लेकिन इसको हटा दे रही हूँ अभी, नहीं लगाना है। मूवी बहुत अच्छी लग रही थी और मतलब देखने का एक्साइटमेंट अलग था, और स्पर्श इसी बीच में ना चिल्लाने भी लगा था बीच बीच में, बहुत मुश्किल से हमने उसको बिठाया था और यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं देख रहे हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी मूवी लगी, अगर आप लोगों में से किसी ने भी देखा है तो बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। बस बीच का इंटरवल टाइम हुआ था उसमें थोड़ा बहुत यहाँ पे स्पर्श बाहर गया था, मैं तो नहीं गई थी, मैं यहीं पे बैठी रह गई, और ये मैं बोली ना कि थोड़ा सा वीडियो क्लिप बना लो, ये इंटरवल के टाइम का ही है बीच में जो हुआ था। उसके बाद हम लोग मूवी देख के अभी निकल चुके हैं बाहर, और बाहर आने के बाद मैंने 1-2 रील्स भी बनाए, बड़ा मजा। मैं ना शॉर्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, आप लोग जरूर देख रहे हैं, या फिर अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर आप लोग फॉलो कर लो, इंडियन यूट्यूबर शारिका, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी इंस्टा आईडी की लिंक भी दे दूंगी, वहाँ से आप लोग देख लेना। खत्म हो गई, बहुत ज़्यादा हम लोग इन्जॉय किया एंड मूवी बहुत अच्छी थी। एंड इसके बाद अभी हम लोग टॉप पे ही हैं यहाँ पे लैंडे में। हाँ ठीक है, लैंड
सकते हैं अभी टॉप पे ही हैं और हम लोग अभी यहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे रश लगती है, लोग खा ही रहे हैं, इतनी भीड़ यहाँ पे रहती है। तो आज का दिन मतलब मूवी देख के हमारा दिन बन गया आज का, और 15 अगस्त है स्पेशली, और गदर मूवी बहुत ही ज़्यादा, वहाँ भी इधर है तो वो भी खाने की जगह, तो सब लोग अभी खाएँगे हम लोग, और ये लोग अभी क्या खाना है ये अभी सेलेक्ट हुआ नहीं है, क्या खाना है सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या खाना है, सबका दिमाग अलग अलग रहता है, किसी को कुछ खाना रहता है, किसी को कुछ खाना रहता है, लेकिन देखते हैं हम लोग मतलब मिक्स करके एक या दो चीज़ आएगा, दो या तीन चीज़ से ज़्यादा नहीं, तो बस उसके बाद देखते थे कितनी रश है। स्क्वाश कुछ खाने के लिए ही बैठा है ना, स्क्वाश खाने के लिए ही बैठा है, क्या स्क्वाश खाने के लिए ही बैठे हो ना, और इधर चेयर कर लो, हनी जाइए, क्या हनी क्या ले गई है सबको, फ्रेंड्स है और फ्रेंड्स है, जा रही हूँ देखने, इसमें टॉप देखना है मुझे, टॉप देखना है ना मुझे, और मैं यहाँ पे आई थी टॉप देखने के लिए, टॉप देखी बट मुझे पसंद नहीं आया, एक दो पसंद भी आ रहा था तो उसका कुछ ज्यादा ही प्राइस था तो मैंने लिया नहीं, टॉप था और उसका 2500 तो मुझे कोई मतलब नहीं बन रहा था, तो मैंने सोचा छोड़ो यार देखूंगी बाद में, ऑनलाइन मंगाऊंगी या फिर शॉप से देख लूंगी। यहाँ पे अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं, ये डेकोरेशन था यहाँ का स्पेशली और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा मतलब इस बार ना कम मुझे लगा, मतलब जैसे एलांटे में जिस तरीके से डेकोरेशन होता है उतना इस बार मुझे नहीं लगा था, थोड़ा सा कम लगा था, लेकिन चलो ठीक है इतना भी बहुत है। एंड अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से बाहर क्योंकि अब जाने का टाइम आ चुका है, और मैं यहाँ पे एक दो फोटोज़ क्लिक करवाई, उसके बाद अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे थे और शाम का टाइम हो चुका था, मुझे लगा था कि दोपहर का ही टाइम हो रहा है लेकिन शाम का टाइम हो गया था। अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, बहुत घूमे फिरे, अब हम जा रहे हैं पार्किंग में, और एक्चुअली आज हम जल्दी आ गए थे, सुबह में 10 बजे के आसपास आ गए ना, तो हमें पार्किंग भी रोड के साइड वाली मिली थी, नहीं तो हमें अंदर अंडरग्राउंड में जाना पड़ता, उसमें तो आधे घंटे निकल लग जाते हैं हमें निकलने में, ऐसा होता है, बट हम और हम फ्री भी हो गए। कितना टाइम हो रहा होगा भाभी, 2 बज रहा, 4:15 हो रहा है, अच्छा पहले से ही था पता नहीं, हाँ कल का छोड़ दिया, लगा नहीं था ना आज, हाँ कम है क्या, क्या हुआ, हवा कम है क्या, आने हवा देखिएगा आगे मिले तो भरवा लीजिएगा, नहीं